ये 200 MCQs हैं और इंशाल्लाह पूरा पेपर इसी में से आ जाएगा। US डॉलर अभी 285 का है, जापानी येन 1.93 का, पौंड स्टर्लिंग 357, यूरो 311। गोल्ड 10 ग्राम 1,84,000, सिल्वर 2,206 रुपये, पहले विंटर ओलंपिक चेमोमिक्स फ्रांस में हुए हैं 2022 के विंटर की बात हो रही है, बीजिंग में हुए थे। 2026 के जो हैं वो इटली में होंगे। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर है नेला बरपॉक, प्राइम मिनिस्टर ओलाफ स्कोल्स। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरी, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनाक, यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन। ये इंशाल्लाह 200 एमसीक्यूज कर लो पेपर, बड़े आराम से जीके का पूरा होगा। लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा खालिद हैस खोकर। पहला एनिमल जो क्लोन हुआ था वो एक शिप था, डॉली। 5 रिंग्स ओलंपिक के जो हैं ये 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट को जाहिर करते हैं। इसराइल का मॉनिटरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, शेगल। बेनज़ीर भुट्टो साहब की वफ़ात हुई थी 27 दिसंबर 2007। यार ये देखें, 200 वो एमसीक्यूज़ हैं जो कराची हिस्ट्री के टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कराता रहूँगा। अच्छा, बाज़ों का लाइफ में ब्लरिंग हो जाती है, तो डोंट वरी, यही वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके भी दूंगा, ठीक है। और लेकिन लाइफ में अच्छा रहता है कि साथ साथ रिवीजन हो जाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूँगा, जस्ट लाइक वाइवा की तरह ना। तो ये लाइव भी मैं आपको दे रहा हूँ ये वीडियो, इंशाल्लाह इसको रिकॉर्डेड करके भी दे दूँगा, ठीक है। तो उसके हवाले से परेशान नहीं हो आप लोग। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे ये पाकिस्तान के सेकेंड गवर्नर जनरल भी रहे हैं, ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, और सेकेंड प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, दोनों उदे पे इन्होंने काम किया है। ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको दूंगा भाई, ठीक है, लाइव भी दे रहा हूँ, दोनों तरीके से दे दूंगा ताकि आपको भला हो। 200 के बजाय वो शायद एमसीक्यूज हो जाए, क्विज हो जाए, ठीक है। फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन, ये ना 2021 में भी आया था सवाल और एसएमआईयू में भी आ चुका है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था 1492 में। डाइट जो है ये जापान की पार्लियामेंट है, ठीक है भाई, ये इंशाल्लाह इसी की रिकॉर्डेड वीडियो पे मैं आपको दूंगा। फूड और एग्रीकल्चर के डॉक्टर कौसर, देखिए तकरीबन ज़्यादातर एमसीक्यू सीसी में से आएंगी, तो डोंट वरी। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। पाकिस्तान में फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम को। इंडोनेशिया जो है वो आर्किपेलागो है साउथ ईस्ट एशिया में, और 17,000 जजीरे हैं जिसमें से 6,000 आबाद हैं। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलस कंट्री भी इंडोनेशिया है, वर्ल्ड में 4th नंबर है, पाकिस्तान का 5वां आ गया है। वॉलमार्ट लार्जेस्ट रिटेलर है वर्ल्ड का। कमाला हारिस जो है ये यूएसए की नई प्रेसिडेंट है। अब देखो ये आता है कि नोकिया कंपनी का ताल्लुक कहाँ से, फिनलैंड से। सीमेंस का ताल्लुक कहाँ से, जर्मनी से। ये इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वीडियो दूंगा, लाइव भी। फिलिप्स का ताल्लुक हॉलैंड से। एलजी का ताल्लुक है साउथ कोरिया से। सबसे जो स्मॉलेस्ट कंट्री एरिया में विटेगन सिटी है, पॉपुलेशन भी इसकी सबसे कम है। नेशनल असम्बली की जो पाकिस्तान की सीट्स हैं 342 हैं, सेनेट की सीट्स 100 है, ठीक है जी। मेजर जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, टेक्सटाइल, राइस और लेदर। इंपोर्ट में आता है पेट्रोलियम और मशीनरी।
यूरोपीय यूनियन 1949 में बनी है, 27 मेंबर हैं इसके और हेड ऑफिस है ब्रसल्स में। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हेड हैं मोहम्मद आसिफ बाजवा, जो इंडिपेंडेंस से पहले ईस्ट तिमोर जो था इंडोनेशिया का पार्ट था, और ईस्ट तिमोर का जो कैपिटल है दिल्ली है। अच्छा, अब बड़ी दिलचस्प बात है, एशिया की जितनी कंट्रीज़ हैं ना उनके कैपिटल इक्वेटर के नॉर्थ में, ये दिल्ली जो है ना ये इक्वेटर के साउथ में। एशिया का वाहिद कैपिटल जो इक्वेटर के साउथ में है तो दिल्ली है, ठीक है जी, याद रखिएगा। ये आप ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा स्क्रीन आ जाएगा। अब देखो एक और बड़ी अहम बात कि जो समर ओलंपिक हैं 2024 के कहाँ होंगे जनाब, पेरिस में, 2021 के कहाँ हुए थे टोक्यो में। और एक सवाल जो लाजमी आता है कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ब्लोकना इटली की 1088, और लास्ट जो विंटर ओलंपिक हुए हैं 2022 के वो बीजिंग में हुए। इस्कंदर मिर्ज़ा लास्ट गवर्नर जनरल भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट भी। यार देखो अभी लाइव भी दे रहा हूँ, यही चीज़ मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दूंगा। SMIU का मामला तो अब एक तरफ हो गया, मुसलसल कराची हिस्ट्री के हवाले से वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, डेली करता रहूँगा, सो डोंट वरी यार। जर्मनी के जो चांसलर हैं उनका नाम ओलाफ स्कोल्स है, तकरीबन इसी में से इंशाल्लाह आ जाएगा। ICC 2020 वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था वो 2009 का जीता था। नोबेल प्राइज़ किन 6 कैटेगरी में दिया जाता है, पीस, लिटरेचर, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन। देखो बाकी सब 1901 में स्टार्ट हुए थे, इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट हुआ था 1969 में हुआ था। अब देखो दो बड़ी मशहूर बुक हैं लियो टॉलस्टॉय साहब की, एक तो है वॉर एंड पीस, एक है एना गेरेनिया। बेसिकली रशिया के राइटर थे, तो ये वॉर एंड पीस भी ना कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बहुत बार आ चुका है, या एमसीक्यूज़ में। फिर हेड क्वार्टर जो है यूरोपीय यूनियन का कहाँ है, ब्रसल्स बेल्जियम में। डूमा जो है वो पार्लियामेंट है रशिया की। ग्रुप 8, अब ग्रुप 7 रह गया है, इसके मेंबर हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रशिया, यूके। और देखो एक सवाल जो पक्का आएगा, ब्रिक्स में जो 5 नए मेंबर्स हैं ना उस पर सवाल ज़रूर आएगा। इन 5 मेंबर्स में से ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज हैं। देखो इजिप्ट शामिल हुआ है, एथोपिया हुआ है, UAE है, सऊदी अरब है, ईरान है। सिवाय एथोपिया के बाकी सब तो 100% मुस्लिम कंट्रीज हैं। एथोपिया में 50% क्रिश्चियन, 50% मुस्लिम रहते हैं, तो ये भी समझेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ब्रिक्स में जो 5 मेंबर्स आए हैं उन 5ों के नाम भी आएंगे, ज़ाहिर है अभी नीचे भी मैं बताऊँगा। इजिप्ट है, एथोपिया है, अलग से भी मैंने बताया हुआ है, बनाई हुई उसकी वीडियो। फिर ओपेक के जो मेंबर हैं अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE। देखो हाँ इससे अंदाज़ा कर लो, अभी अभी जो शामिल हुए ना मेंबर, ईरान शामिल हो गए हैं ब्रिक्स में, ठीक है, सऊदी अरब हो गया है, UAE हो गया है, ठीक है, और इनके अलावा जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री शामिल हुई है, इथोपिया शामिल हुई है और इजिप्ट शामिल हुआ है। ये जो हिब्बतुल्ला अखंडज़ादा हैं ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इराक के अब्दुल रतीफ राशिद हैं, इंडिया की द्रौपदी मुर्मू। देखो सारे प्रेसिडेंट PM इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो मैं बता रहा हूँ बस वो, रशिया के ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्लादिमीर पुतिन, ईरान के इब्राहिम रईसी और रनिल विक्रमा सिंघे श्रीलंका के, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि श्रीलंका इन दिनों देखो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसलिए ये बड़ा अहम है। यूनाइटेड नेशन कब बनी थी ये आता है, 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी, और सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने फ़लस्तीनियों के हिमायत में बहुत बोला था, तो इनका नाम भी ना न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों, इसको ये नाम भी ना जहन में रखना, बहुत आ रहा है इन दिनों इनका नाम, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट में पूछा गया है। जो सबसे ज़्यादा दुनिया में बोले जाने वाली जुबान है मैंडरिन चाइनीस को कहते हैं। बराक ओबामा अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट थे, कमाल अतातुर्क मॉडर्न तुर्की के फाउंडर थे,
एनिमल फॉर्म, यार ये बड़ी प्यारी किताब थी, क्या नाम था? एनिमल फॉर्म। इसके राइटर का नाम था जॉर्ज ऑरवेल, और आईबीएम का निक नेम है बिग ब्लू, बिग ब्लू, ठीक है। अब यहां आ जाओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर थे पीटर पेनिनसन, वर्ल्ड बैंक के देखो नए प्रेसिडेंट है अजय पंगा, इनका नाम भी पंगा है और पाकिस्तान से पंगे तोड़ने शुरू कर दिए, ये आया था एसएमआईयू के टेस्ट में भी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम अजय पंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने कहा भी था क्लास में। अफगानिस्तान के लास्ट किंग जाहिर शाह, फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन 1913 में बनी थी, और पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप मोंटेवीडियो में हुआ था, यूरोगुए के कैपिटल में, जीता भी यूरोगुए ने था। 2006 का जो वर्ल्ड कप है वो इटली में ने जीता था और जर्मनी में हुआ था। 2022 का अर्जेंटीना ने जीता था, कतर में हुआ था, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और 2026 का पहली दफा दो के बजाय तीन मुल्कों में होगा, कैनेडा, मैक्सिको और अमरीका, और 48 टीम होंगी। देखो जो अगला 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना, वो भी कहाँ हो रहा है, यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, और पहली दफ़ा 20 टीम्स होंगी। जी हाँ, अभी जो 2024 का होगा इसमें 20 टीमें होंगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 इंडिया ने जीता था, ठीक है जी, और 2023 का जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2027 का वर्ल्ड कप तीन मुल्कों में होगा, साउथ अफ्रीका, नेबीबिया और जिम्बाब्वे। हॉर्स की फीमेल को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ये भी जम में आया था। स्टेचू ऑफ लिबर्टी किसने गिफ्ट किया था यूएसए को? फ्रांस ने किया था। नेस्टेक और डोजोन जो हैं ये स्टॉक एक्सचेंज है, किसके हैं जी? यूएसए के हैं। रेक्टर स्केल जो है वो इंटेंसिटी मेजर करता है अर्थक्वेक की। पापालो पिकासो जो है स्पेनिश पेंटर और स्कल्प्टर थे। पीटी सेल जो है वो 80 स्लाट को फरोख्त किया गया है ऑनर। अच्छा, इस्माइल आनिया फिलिस्तीन के पीएम है, महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है, ये भी नाम बहुत आ रहा है अखबारों में, आएगा, ठीक है जी। हैंग सेंग हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज है, सीएसी फ्रांस का है। अफगानिस्तान सबसे नया मेंबर है सार का। पैराडाइज लॉस और पैराडाइज रीगेन जो है ये दोनों जॉन मिल्टन साहब के लिखे हुए बुक है। तियनमेन स्क्वायर कहाँ पर है जी? चाइना में। एफटीएसई लंदन में, डेक्स जो है वो जर्मनी में। वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 1918 में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 में हुई थी। वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमाला हैरिस। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान तीनों के जो मुजस्मे मादाम तोसाओ के रखे हैं। देखो मिस्टर बीन पे सवाल बहुत आता है, एक तो इनका कंट्री से ताल्लुक क्या है ये भी बहुत आता है, और इनका असली नाम रोवेन एटकिंसन, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू लेंथ एरिया वो रशिया, और मोनाको ना हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का लड़के कम एरिया ज़्यादा आबादी, और वेस्टर्न सारा जो है वो लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी एरिया बहुत है और डेंसिटी बहुत कम है। अब आ जाएं यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर हैं और सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंसेस इनके हैं। कराची यूनिवर्सिटी के वीसी खालिद इराकी हैं, डायरेक्टर आईबीए के जो हैं अकबर जैदी साहब हैं। कैनेडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हामिद, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। अब ये सवाल आएगा कि भाई जोए पार्डन कौन से वे प्रेसिडेंट हैं, तो याद रखो जोए पार्डन 46 प्रेसिडेंट है, ठीक है 46। हेनरी डोनेंट और फ्रेडरिक पासी को सबसे पहले पीस में नोबेल प्राइज मिला था, इस बार किसको मिला है? नरगिस रशीद को। लार्जेस्ट ओशियन दुनिया का जो है पैसिफिक, लार्जेस्ट लेक ये एसएमआईयू में आया था कैस्पियन सी, देखो है लेक लेकिन नाम के साथ सी लगा है।
और ये सवाल भी आया था पेपर में, लार्जेस्ट आइसलैंड ग्रीनलैंड जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, एंजल सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, एलन मस्क दोबारा सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए, सारा जो है लार्जेस्ट डेजर्ट है, फैल्कन सबसे तेज परिंद है, बिजिएस्ट पोर्ट जो है वो सिंगापुर है, एक्सन मोबिल दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस कंपनी है। मिनोरी यामासाकी ये आर्किटेक्चर थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के, अरब लीग का हेड ऑफिस कहरो इजिप्ट में है, ऑस्ट्रेलिया ने 2007-2023 के वर्ल्ड कप जीते, पोलो में 4 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5, आइस हॉकी में 6, बेसबॉल में 9 और वॉलीबॉल में होते हैं 6। कियानो इन्फेंटो फीफा के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस चल रहे हैं काजी फैज ईसा साहब, जो फीफा का वोमेन वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने जीता है, चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया है इसरो ने किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं चैट जीपीटी के, इनका नाम सैम एटमैन है, आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बर्कले, आज़ाद कश्मीर डे कब मनाया जाता है जनाब 24 अक्टूबर को, करंट चीफ मिनिस्टर जो सिंध के मकबूल बाकर, हिजरी ईयर कौन सा ये 1445, शॉर्ट की कंट्रोल प्लस डब्लू का मतलब क्या होता है टू क्लोज द विंडो, कौन सा है जो वर्जन नहीं है एंड्रॉयड का, देखो हनी कॉम कप केक किंगर बोर्ड तो सारे होते हैं तो माफिन नहीं होगा, फिर विच इज फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग कलर ऑफ ह्यूमन स्किन, तो मेलानिन, शेक्सपियर किस लिए मशहूर था, अपने प्लेस के लिए, ठीक है जी, फिर फुल नेम ऑफ बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, 3 में प्रेस फ्रीडम डे, शिपरेक किसके नेशनल फ्लैग पे, परमोधा पे, राका पोशी पीक जो है वो कहाँ है जी नागढ़ में, यूनिवर्स की स्टडी जो है वो क्या कहलाती है कॉस्मोलॉजी, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड अमेजन को कहते हैं, सीएनजी फुल फॉर्म कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, ठीक है एलपीजी रिक्वायर्ड पेट्रोलियम गैस, टोटल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में 170, कायद आजम यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद में, नेशनल एंथम अहमद चाकला ने इसको कंपोज किया था, रिटन था हफीज जालंधरी। तो भाई ये मैंने पूरी एमसीक्यूज जो बताई हैं ऑलमोस्ट इसी में से आएगा पेपर, ठीक है, और शुरू से देख लीजिएगा वीडियो, इसी को मैं रिकॉर्डेड करके भी आपको सेंड कर दूंगा।